औरतों द्वारा इंटीमेट मोमेंट्स का चार्ज लेने से कितने परसेंट मर्द सहज यानी कंफर्टेबल होते हैं? आइए देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज स्कोर। फिफ्टी परसेंट जेंटलमैन, व्हाट्स योर आंसर? अरे 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 70%। वाओ, प्रोग्रेसिव मैन। नहीं, प्रोग्रेसिव मैन नहीं, दे आर जस्ट मैन। इसमें प्रोग्रेसिव का नहीं है, ये सिर्फ मैन है। आपने 70 दिया जी, प्लीज बताइए। 20-30% तो मेरा खुद का पर्सनल होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वैसे बहुत शर्मा जाता था क्योंकि हमारे तरफ सेक्स को लेकर उतनी बातें हुई ही नहीं है लाइफ में। करेक्ट। हमारे घर में कभी लड़कियों को बता दिया जाता है कि चलो तुम्हारे चम्स स्टार्ट हो गए, हमें पता चल जाता है। जी, लड़के कब जवान होते हैं पता ही नहीं चलता। जी, और मेरे अगल बगल मैंने ऐसे बहुत लड़के देखे हैं जिनकी बहुत फटती है लड़कों से बात, लड़कियों से बात करने में, अप्रोच करने में। तो मैक्सिमम टाइम मैंने लड़कियों का ही अप्रोच देखा है वैसे लड़कों के साथ, और वैसे लड़कों की संख्या मेरी नजर में बहुत ज्यादा है। जी, सो ये आंसर उसके लिए था। मेरे को लगता है कि लड़के ऐसे होते हैं उस कंडीशन में कि उनको लगे तुम चार्ज लो या ना लो, बस चलो। ये फर्क है पंजाब और बिहार। But you know, he's also just focusing and emphasizing on a section and also start of a relationship. Correct. We're talking about also the fact that when two relationship mein hai, so if a woman has to take charge of an intimate moment, it's not taken very well. Really? Really? कहाँ मिल रही हो? I have my point. कौन से लड़के मिल रहे हैं आपको? No, seriously. We always have been accustomed to the fact that हमेशा हमारे देश में after marriage only when men want to have sex, तो जी पत्नी को okay, but it has never come into light what women want. Maybe she could be ovulating, maybe she wants it today, maybe she is in a mood. No, it has never about a woman. कभी consider नहीं किया गया है। See, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्दे के पीछे बहुत होता है। That's why बहुत सारे लोग ना औरतों के बारे में और मर्दों के बारे में ये कहते हैं जोरू का गुलाम हो गया है, वो सिर्फ वहीं घुसा रहता है। छोटे शहरों में अभी भी ऐसा है कि only a man can dominate in bed. Dominate, plus there are guys who are so dominating and so powering that even if a woman makes the first move, he will not do it. He will just disagree and he will not even want to do it. Absolutely. Because it's not him. Ek time ke baad, it's about a man. When he's tired, he doesn't want to do it. When he's in the mood, he will do it. But uske alawa, it is only about a man's mood. Yeah? Then that time, I think he's not boosting his ego. He should go to the Baba Bandali. But somebody like Vishal, who's confessing to having so many relationships, you know, he's very cool about it. He's laughing, he's smiling, and it is also considered okay for him to have so many relationships. Main nahi bol sakti ye, because again, I'll be termed as a slut or a bitch who sleeps with everybody. See, ek ladki agar bahut sare relationship rakhti hai, to jaise aap bolo na, usse slut aur ye kuch bhi bola jata hai. Ladkon ke liye bhi same hai. ऐसा लड़कों को भी बोला जाता है, बस ये है कि वो जो गालियां या जो चीजें हैं ना, वो हम छाती पीट के कुछ लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं बोल। See, girls just take a stand कि I don't want to be with a guy who's with everybody, right? Sure. But in girls case it's just that ये character ही lose है, तो जहाँ जाती है वहाँ लेट जाती है। ये तो मतलब ऐसे specific terms use होते हैं and men specially do it. ऐसे छोटे टाउन्स में होता है भाई कि अगर लड़की चार्ज ले रही है रिलेशनशिप में, तो वो लड़कियों के कैरेक्टर को जज करने लग जाते हैं। जैसे मैंने बोला, मतलब वो फिर आके डिस्कस भी करते हैं कि यार मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे को लगता है वो बहुत के साथ सो चुकी है, ऐसी बातें करेंगे, मतलब वो हद पार कर देंगे उस पे। हम अपने पेरेंट्स की अगर बात करें, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट बीइंग सो आउटगोइंग अबाउट इट, बट हैव वी एवर थॉट कि कभी आवर मदर्स, आई मीन डू वी थिंक दे हैव एवर बीन इन अ पोजीशन टू टेल दैट यू वांट टू और समथिंग, राइट? नो, I mean we talk about sex so openly now, this is you but yahan par hum at least sex ki baat kar to sakte hain, correct? Bahar agar chote town mein jaoge bhai, matlab unke liye se bacche paida karna hota hai, yes. Kuch nahi, matlab there is sex. No foreplay or there is no cuddling, there is nothing, matlab aap seedha ghagra utha aur shuru ho jao. Aap aise kaise bol sakte ho, aisa lag raha ki aap logon ne wo camera se dekha ho ya apni aankh se dekha ho. इस देश में पैदा हुए, इस देश में बड़े हुए, इस देश के बारे में जानते हैं यार। आपने बोला ना ये बात कि आपने अपनी मॉम को लेके एग्जांपल दिया ना, मैं एक फैक्ट बताता हूँ, मैंने नहीं देखा उनको कभी इंटीमेट होते हुए, बहुत मैं नेशनल टेलीविजन पे बोल रहा हूँ और बहुत छोटे कस्बे से हूँ, बट यस मुझे उन दोनों को देख के लगता है कि यस दे हैड अ गुड लाइफ। जी,
पर भाई आप छोटे टाउन में देखोगे ना, लड़कियों को फेक स्माइल रखनी पड़ती है फेस पे ये बताने के लिए कि वो यू नो सेटिस्फाइड होते हैं या फिर वो खुश है. अदरवाइज अगर उनसे अंदर से पूछ रहा है तो जब मर्द का मन करता है तब वो कर लेगा, अदरवाइज नहीं नहीं होएगा. वर्ड्स लाइक ऑर्गेज्म, ये हम बोलते हैं टुडे गर्ल्स आर सो डोमिनेंट, दे वांट टू टॉक अबाउट इट वेदर यू गेट एन ऑर्गेज्म. आप पूछ लो पहले किसी से, किसी ने कभी बात भी की हो. सॉरी टू से, बहुत सारे मर्दों को पता भी नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है. That even women can have something like orgasm. सवाल उसी के ऊपर है. वही है, मैं वही तो बोल रही हूँ. That women taking a charge, nobody takes it in a good spirit. I think so. चलो देखते क्या है इंडिया की सोच. इंडिया की सोच है 70%. जेंटलमैन की सोच मैच कर गई इंडिया की सोच से. 70% men are all right with women taking charge during intimate moments. That's news for me, yeah? That's great. That's news for me too. That's not news too. Only on Flipkart Video. Watch, play, win now!